आपका क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर क्या है, ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सर्कल इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इज आपको क्या करना है, टेक कंपास एंड स्केल एंड फिक्स करना है आपको मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर का। फिक्स 4 सेंटीमीटर ऑन कंपास विथ द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। इसमें क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपको 4 सेंटीमीटर कंपास के ऊपर सेट करना है, 4 सेंटीमीटर कंपास के ऊपर सेट कर देना है उसे। और क्या करना है, यू हैव टू मेक अ सर्कल। तो हमको मालूम है कंपास से हम सर्कल कैसे बनाते हैं, तो हम हमारी सर्कल क्या है, कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट था, यहां से हमने 4 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, नाउ आपको करना क्या है, यू हैव टू जॉइन ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, ओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जॉइन दिस ओ पॉइंट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, किसी भी एक पॉइंट में। सपोज हम यहां पर ज्वाइन करना चाहते, दिस पॉइंट इज आवर पी, कोई भी एनी पॉइंट, एंड जॉइन ओपी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सेम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में हमने क्या किया, जॉइन सेंटर ओ टू पॉइंट पी ऑन सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको पता होना चाहिए, क्या चीज मालूम होनी चाहिए, कि हमारा टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो हम यहां पर लिख सकते हैं कहीं पर भी एक जगह पे, टेंजेंट एंड रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने एक पॉइंट लिख दिया। नेक्स्ट, अब आपको और पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर है दैट मींस दे आर 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो कितने टेंजेंट्स बनाने हैं हमको, टू टेंजेंट्स, दैट मींस 90 प्लस 90 180 डिग्री इट्स ओवर। तो हमारे दो टेंजेंट्स का क्या हो गया, 180 डिग्री इट्स ओवर। एंड आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना, 300 और 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्रीज। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। अब कितना बच गया हमारा, 180 डिग्रीज। 180 डिग्री में टेंजेंट्स कितना इंक्लाइन करेंगे, 60 डिग्रीज। तो क्या हो गया, 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज
gives you 120 degrees. ठीक है, अब 120 डिग्री के हिसाब से वी विल मेक एन एंगल हियर फ्रॉम पॉइंट ओ. कैसे बनाएंगे वो आप देखिए. सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट ओ मेक एन आर्क. एक आर्क बनाएंगे जो आपका इस टाइप से होगा विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. तो फोर्थ पॉइंट में आपका क्या आएगा, मेक एन आर्क, मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ओ एंड मेक 120 डिग्रीज. 120 डिग्री कैसे बनेगा, आपने यहां से लेके यहां तक जो आर्क बनाया है कंपास से, सेम मेजरमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, डोंट डिस्टर्ब इट. और ये जो पॉइंट यहां पर है, दिस पॉइंट इज सपोज ए, इस पॉइंट से आपको सेम मेजरमेंट का यू हैव टू कट एन आर्क हियर, वन मोर आर्क हियर फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस पॉइंट इज अवर बी पॉइंट एंड फ्रॉम बी पॉइंट कट वन अनदर आर्क हियर. ठीक है, दिस पॉइंट इज अवर सी पॉइंट. Now join O and C. O and C आप join करेंगे and extend up to जहां तक ये line join कर रही है circle को. This point is our point Q. ठीक है, make 120 degree and यहां लिख सकते हैं and join O C and extend up to point Q on a circle. ठीक है, हमने वो कर दिया. तो अब ये डिग्री कितना हो गया हमारा, 120 degrees. तो यहां पर हम लिख लेते हैं 120 डिग्रीज. ठीक है, हमने यहां पर एक लिखा है, क्या लिखा है, अब क्या हो गया, ओ क्यू एंड ओ पी ये दोनों क्या है हमारे, दे आर द रेडियस. तो यहां लिख सकते हैं आप ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू रेडियस. आपका रेडियस ये. अब आपको क्या करना है, टेंजेंट बनाना है. क्या लिखा है, टेंजेंट एंड रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स यू हैव टू मेक 90 डिग्री फ्रॉम हियर एंड 90 डिग्री फ्रॉम हियर. कैसे बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक आर्क बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. और एक आर्क बनाएंगे यहां पर, सेम कंपास, सेम मेजरमेंट, नो चेंज. ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, जैसे यहां पर 60 एंड 120 किया था, सेम इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमारे क्या है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. ठीक है, सेम पॉइंट से आपको क्या करना है, आपको दो आर्क बनाने हैं. फर्स्ट आर्क आपका यहां आएगा, सेकेंड आर्क इट विल कम हियर. फ्रॉम वाई वन आर्क हियर, सेकेंड आर्क इट विल कम हियर. ठीक है, नाउ जो दो आर्क बने हैं हमारे, यहां से आप आर्क बनाएंगे. एक आर्क आपका बनेगा ऐसे, एक आर्क बनेगा ऐसे. सेम फ्रॉम हियर वाई पॉइंट से जो दो आर्क बने थे, यहां से जब आप आर्क बनाओगे इट विल कम लाइक दिस, और यहां से जो बनाओगे इट विल कम लाइक दिस. ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको जॉइन करना है ये जो नया पॉइंट आया है आपका. कौन कौन से नए पॉइंट है,
this point is our M point and this point is our N point. Just join this to this and this to this. तो क्या आएगा आपका, यहां से आप join करते हुए जाएंगे. ठीक है, और Q और N को join करेंगे तो हमारा कैसे आएगा, it will come like this. ठीक है, ये जो नया पॉइंट आएगा यहां पर, दिस पॉइंट इज आवर Z पॉइंट. ठीक है, Z पॉइंट आ गया आपका. नाउ आप बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है P एंगल एंड Q एंगल इज 90 डिग्रीज, है ना. रेडियाई टेंजेंट एंड रेडियाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स this is 90 degrees and this is also 90 degrees. Now मैं हमने लिखा है sum of all four angles in a quadrilateral is 360 degrees. तो आपका z point क्या आएगा, z angle क्या आएगा आपका, तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्या लिखोगे, angle O plus angle P plus angle Q plus angle Z is equal to 360 degrees. ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एंगल ओ इज 120 डिग्रीज, तो आपका आ गया 120 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो एंगल जेड कितना हो गया, 360 डिग्रीज माइनस कितना हो गया, करके देखो, 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 120 इज 300. तो एंगल जेड कितना आ गया आपका, 60 डिग्रीज. तो एंगल जेड इज आवर 60 डिग्रीज. आपको इस टाइप से बनाना है. अब हम उसके पॉइंट्स लिख देते हैं. यहां पर क्या कहा हमने, पॉइंट एक्सटेंड अप टू पॉइंट क्यू ऑन अ सर्कल कर दिया. नाउ मेक फिफ्थ में आपका क्या आएगा, मेक 90 डिग्रीज फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू एंड जॉइन पी एम एंड क्यू एन एंड एक्सटेंड इट टिल पॉइंट जेड. ठीक है, उसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट क्या आएगा, लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, एंगल Z इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एज स्टेटेड. और आपको ये करके दिखाना है, उसमें क्या है, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया एंगल, तो एंगल Z इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, वो हमने लिखा एंगल Z इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एज स्टेटेड. ठीक है, हम इसको बना लेंगे